फिलहाल स्वागत आपका आपके अपने YouTube चैनल वेंट्स अप पे। फिलहाल आज जा रहे हैं एक नई जगह, फिलहाल शूटिंग करेंगे मस्त वाले। आज एक जिंदगी का एक सफर सीएससी सेंटर का, तो अभी काम कर रहे हैं फैमिली आईडी का। हमें बता क्या फैमिली आईडी क्या है? 4GZ5762। दोबारा ओटीपी जाऊंगा, ओटीपी पूछ। एक यार इन लोग का तो बड़े दुखी हैं जो ये फॉलो कर अनफॉलो कर यार ना, बड़े दुखी। मेरे भाई चेहरे में पड़ जाओ ना तुम डायरेक्ट जाके ना, ऊ पढ़ने की क्या जरूरत है? चाय पियो आराम से, हम तो नुए मौज में रहे हैं। तुम यार अनफॉलो बेरा ने किस दुनिया में दुनिया में जिंदगी जी रही है दुनिया। इसमें मैंने कर दिया है, दिखा दिया है, ये तो अपनी सुन लो या मेरी सुन लो। इसमें मैंने लगा दिया है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ बात ही, और इसमें जो है आधार कार्ड वाली वाली साड़ी वह कर दी जाए, यो अपलोड भी कर दिया उसमें एडीसी ऑफिस में 5 नंबर कमरे में चले जाइए, यो अप्रूव कर दे अगला गला। हे एवरीवन, फिलहाल आ चुके हैं परेड वाले फील्ड में, तो सामने आप देख रहे होंगे न्यू मोटरसाइकिल रॉयल एनफील्ड 350cc हंटर। साइड प्रोफाइल कुछ इस तरह का है इसमें, और सबसे बेनिफिट इसका ये है कि काफ़ी लाइट वेट कर दिया पहले से इसको, और बाइक में 350cc मीटियोर का ही इंजन आपको देखने को मिलता है इसमें। और डबल सपोर्ट इसका मेन पता है क्या, क्लासिक से और इसका मेन अगर कंपैरिजन किया जाए तो सीट भी वैसे क्लासी, मतलब एक अच्छी सीट दे रखी है कंफर्टेबल हिसाब से। और फ्रंट में आप देख सकते हो मतलब एक स्पोर्टी थोड़ा सा लुक दे रखा है इसका, और एक नेक में से जो सपोर्ट जाती है ना इसकी इंजन की तरफ, वो डबल सपोर्ट दे रखी है, तो वाइब्रेशन का नाम पैदा ही नहीं होता, तो वाइब्रेशन का तो कोई मतलब ही नहीं बनता ना पूरी बाइक में। तो मज़ेदार है, साउंड वगैरह भी काफ़ी अच्छा है इसका। बाकी साउंड इसका स्टार्ट करके देखेंगे अभी, और इसकी अभी टेस्ट ड्राइव हमने बुक की थी, बट टेस्ट ड्राइव अभी फ़िलहाल अवेलेबल नहीं हो रही क्योंकि यहाँ पे लैग गार्ड वगैरह नहीं लगे हुए हैं, और एसेसरीज लगने के बाद ही हमें अवेलेबल हो पाएगी। इस तरह की इसकी चाबियाँ आती हैं, मीटर देख सकते हो आप कितना कूल मीटर दे रखा है पूरा, सब कुछ इंडिकेशन वगैरह, ये बीएस वगैरह, डबल डिस्क में बाइक है ये अब रेडी। और स्टार्टिंग इसकी प्राइस रेंज जो है वो आपको 2,05,000 ऑन रोड मिलती है। और इसमें एक वैसे पता है क्या, देखो नीचे देखो इधर, ये देखो चार्जिंग सॉकेट भी दिया गया है इसमें, आप मोबाइल चार्ज कर सकते हो इसी से डायरेक्ट। और 12 वोल्ट का इसका चार्जर होता है, 12 वोल्ट की करंट आराम से प्रोवाइड कर देता है 5 एम्पियर तक। तो देखते हैं अभी टेस्ट ड्राइव मिलती है तो मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।